तो गाइस, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, हमने अपने पाइगेम की स्क्रीन में, पाइगेम विंडो में अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ करवाया था और साथ ही साथ एक सर्कल भी करवाया था। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम इस रेक्टेंगल को मूव कैसे करवाएं। तो आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप प्लीज़ स्टे फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो हमें अपने रेक्टेंगल को मूव करवाना है, इसका मतलब हमें उस रेक्टेंगल के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बार बार चेंज करवाते रहना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन करूँगा। मैं स्नेक अंडरस्कोर एक्स एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा और स्नेक अंडरस्कोर वाई एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा। तो मैं स्नेक अंडरस्कोर एक्स की इनिशियल वैल्यू 400 दे देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले दे रखी है, और स्नेक अंडरस्कोर वाई की इनिशियल वैल्यू 300 दे देता हूँ। इन दोनों वेरिएबल्स को डिफाइन करने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब भी हम अपने रेक्टेंगल को स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे तो उसकी पोजीशन, अगर हम कोई की दबाते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हम नंबर्स में नहीं काम कर सकते, हमें वेरिएबल्स में काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसकी जो पहली आर्ग्यूमेंट है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, उसकी जगह मैं स्नेक अंडरस्कोर एक्स दूंगा, और जो दूसरी आर्ग्यूमेंट है उसकी जगह स्नेक अंडरस्कोर वाई दूंगा। और मैं अभी इसकी साइज़ को चेंज नहीं करूँगा, साइज़ को हम बाद में चेंज करेंगे, अभी हम सिर्फ इस स्नेक के हेड को मूव करवाना सीखेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ये सिंपली रन हो जाएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, अभी हम इसको मूव नहीं करवा सकते। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आऊँगा, मुझे अब यूज़र से इनपुट लेना है। तो मैं उसको कैसे लूँगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर इवेंट इन पाइगेम डॉट इवेंट डॉट गेट क्या करेगा, अगर हम माउस को कोई मूव करवाते हैं या फिर कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस करते हैं तो ये उन सबको रिकॉर्ड करता है। इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट इवेंट कर दूंगा, तो हमारे कंसोल में हम जो भी चीज़ करेंगे वो प्रिंट हो जानी चाहिए। इसको सेव करके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इवेंट लिखकर आ रहा है, वहाँ पोजीशन दिखा रहा है कि हमारा कौन से कोऑर्डिनेट पे है हमारा माउस का कर्सर, उसके बाद बटन्स दिखा रहा है कि हमने कौन से प्रेस किए हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखा रहा है हमें। तो ये देख रहे हैं कि हमारा क्या इवेंट हो रहा है। अब मैं माउस को छोड़कर कीबोर्ड पे बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं की डाउन की अप वाली की डाउन की अप वाली चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। तो मैं ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम जो भी इवेंट करेंगे, हम जो भी कुछ करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, वो सब हमारे इवेंट में रिकॉर्ड हो रही है। तो जैसे कि अगर मैंने अप एरो की दबाई तो मेरे माउस हेड को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कोड लिखें, इवेंट डॉट टाइप, किस तरह का इवेंट है वो पाइगेम डॉट की डाउन, की पाइगेम डॉट की डाउन एक ऐसा इवेंट का ऑब्जेक्ट होता है कि की डाउन मतलब अगर हमने कीबोर्ड की कोई की प्रेस करी है तो ये उसको लेता है। कि अब हम बता रहे हैं कि अगर कोई कीबोर्ड में कोई की प्रेस हुई है तो क्या करो, तो इसमें अगर इवेंट डॉट की इक्वल टू पाइगेम डॉट के अंडरस्कोर अप, सॉरी के अंडरस्कोर अप, इसमें हमने इसको बताया कि अगर कोई की डाउन हुई है उसके बाद इवेंट डॉट की, इसका मतलब कि कौन सी की अप या डाउन हुई है, कौन सी की को हमने दबाया है। इवेंट डॉट की मतलब इज इक्वल टू पाइगेम डॉट की अप, इसका मतलब है कि जो की दबी है वो ऊपर अप एरो की है। यहाँ पे के अंडरस्कोर अप का मतलब है अप एरो की। अगर अप एरो की दबी है, अप एरो की इज प्रेस, देन हमें क्या करना है, हमें अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करवाना है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें कोऑर्डिनेट्स अलग तरीके से चलते हैं। अगर हमें अपनी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करवाना है, इसका मतलब हमें उसको ओरिजिन के क्लोज लेके आना है, इसका मतलब हमें उसका वाई कोऑर्डिनेट कम करना है, बढ़ाना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम रहता है। तो हमें अपना वाई कोऑर्डिनेट करना है कम, तो मैं अपने स्नेक का वाई कोऑर्डिनेट माइनस कर दूंगा इक्वल टू 10 पिक्सल्स। माइनस इक्वल टू 10 पिक्सल का मतलब है कि मेरे स्नेक के जो वाई कोऑर्डिनेट हैं उसको मैं माइनस कर दूंगा 10 के। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, स्नेक अंडरस्कोर वाई इक्वल्स स्नेक अंडरस्कोर वाई माइनस 10। इसमें जो स्नेक अंडरस्कोर वाई है वो नया स्नेक अंडरस्कोर वाई है, अपडेटेड वाला, और जो राइट साइड में स्नेक अंडरस्कोर वाई है वो है अनअपडेटेड, जो पुराना स्नेक वाई है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है, मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ।
तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको चलाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अब जैसे ही मैं आप एरो की दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लॉक है, जो मेरा रेक्टेंगल है, जो मेरा स्नेक हेड है, वो बहुत आराम से ऊपर मूव कर पा रहा है। लेकिन मैं कोई और एरो की दबा रहा हूँ तो लेफ्ट राइट मूव नहीं कर रहा, तो हमें उसको लेफ्ट राइट भी मूव करवाना है। अभी ये सिर्फ अप मूव कर रहा है, तो हम इसमें सब डाल देते हैं आपकी लेफ्ट। इफ़ इवेंट डॉट टाइप, सॉरी इवेंट डॉट टाइप तो पहले से है, इफ़ इवेंट डॉट की इक्वल टू पाई गेम डॉट के अंडरस्कोर डाउन, देन स्नेक वाई को अगर हमें नीचे मूव करवाना है, मतलब हमें ओरिजिन से दूर लेके जाना है, इसका मतलब हमें स्नेक अंडरस्कोर वाई में ऐड करना होगा। यहाँ पे +10 करने का मैंने जस्ट ऐसे ही ले लिया, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही इफ इवेंट डॉट की इक्वल टू पाई गेम डॉट के अंडर स्कोर लेफ्ट, अगर लेफ्ट वाली की दबी है तो हमें उसको ओरिजिन की तरफ लेके आना है, तो हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट कम करना होगा, तो स्नेक अंडर स्कोर एक्स को हमें कम करना होगा 10 पिक्सल से। और साथ ही साथ इफ स्नेक अंडर स्कोर, सॉरी सॉरी स्नेक अंडर स्कोर नहीं, इफ इवेंट डॉट की इक्वल टू पाई गेम डॉट के अंडर स्कोर राइट, तो हमें उसके एक्स कोऑर्डिनेट को बढ़ाना होगा। स्नेक अंडर स्कोर एक्स प्लस इक्वल टू 10, सॉरी मैंने यहाँ स्नेल लिख दिया गलती से, ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इसको सेव करके रन करते हैं, तो लेट्स रन इट। अब जैसे कि मैंने अप एरो की दबाई या फिर लेफ्ट एरो की दबाई, तो आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लॉक है वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है बहुत फ्रीली। तो गाइस मज़ा आ गया इस वीडियो में, हमने कितना कुछ सीखा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को अपने मर्जी से मूव करवा पा रहे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगली वीडियो में हम अपने स्नेक को एक वेलोसिटी देंगे और भी बहुत काम करेंगे, और ये बहुत ही बढ़िया गेम होने वाला है। आप जस्ट कीप फॉलोइंग दिस प्लेलिस्ट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।